आज मैं आपको एक शोल्डरिंग आयरन बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत ईजी और साथ के साथ बहुत चीप बन जाता है बहुत कम पैसों में बन जाता है और साथ के साथ ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा जो कि आपके महंगे सोल्डर पैसोल से बढ़िया और बाकी जब आप इससे छोटा मोटा काम ही कर सकते हो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते मैं पहले बता रहा हूँ इससे आप छोटी मोटी मोटर की शोल्डिंग वोल्डिंग कर सकते हैं जैसे कि आपको मोटर या बैटरी पर शोल्डिंग करनी है सबसे मेन बात यही है और बाकी कोई बड़ी बड़ी शोल्डिंग नहीं कर सकते आप इसको प्रोजेक्ट कुछ बनाने के लिए इसको बना सकते हैं शोल्डरिंग करने के लिए आप महंगा शोल्डरिंग खरीदने से अच्छा और बाकी कोई बड़ी शोल्डिंग नहीं कर सकते इससे और आप इसको भी खुद प्रोजेक्ट के तौर पर बना सकते हैं तो बहुत ईजी है इसको बनाना चलिए शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फुल वॉच करिएगा और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सबसे पहले लेनी है आपको एक पाँच रुपये वाली पेंसिल जिसको आपको इस तरीके से छील लेना है फिर उसको आपको गैस पे जला के ऐसे उसके ऊपर की लकड़ी का हिस्सा उतार लेना थोड़ा सा फिर उसके बाद आपको लेनी है एक वायर जिसमें से कॉपर वायर निकाल के आपको इस तरीके से ऐसे लगा लेना है एक किनारे पे फिर आपको लेनी है फायर स्लीव जो कि आपको प्रेस जहाँ पे सही होती है उस दुकान में मिल जाएगी दस पाँच रुपए की उसको काट के आपको एक छोटा सा हिस्सा लगा लेना है इस टाइप से और फिर एक और कॉपर वायर ऊपर की साइड में लगा लेनी है और इस जगह पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया था मैं मेरी आवाज़ आ नहीं रही थी तो सबसे पहले तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो और फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और चाहिए जो कि होगी हमारी डाटा केबल तो इस वॉइस ओवर पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा आपको इस तरीके से डाटा केबल चाहिए होगी आप किसी घर वाले की मत मतलब किसी घर में कोई काम की मत काट लीजिएगा तो उसको आपको जोड़ लेना है फायर स्लीव्स के साथ जिससे हमारी जो वायर्स जले ना तो मैं आपको अच्छे से जोड़ के दिखा देता हूँ कि किस टाइप से मैंने जोड़ा है तो आपको इस टाइप से जोड़ के फिर इसके बाद इस पर टेपिंग कर देखिए तैयार हो गया मैंने तारे जोड़ दिया और इस पर टेप लगा दिया अब इसको इसकी सबसे मेन चीज इसकी टेस्टिंग देखते हैं किस तरीके से काम करेगा इसको शोल्डरिंग वायर के साथ ये जा रही इसकी तार देखो कि आप तुम देख सकते हो कोई फेक चीज़ नहीं है भाई फेक चीज मैं नहीं दिखाता इसको मैंने लगाया यहाँ पे ये मैंने करा प्लग इन और अब देखते हैं ये गर्म होना चालू होगा या नहीं थोड़ा तो टाइम लेगा ही बार हाँ देखो देखो धुआं निकल है तो शुरुआत में धुआं निकलेगा तो तुम घबरा मत जाना क्योंकि फायर स्लिप से तो वो थोड़ा सा धुआं छोड़ेगी शुरुआत में तो इस टाइप से देखो धुआं रहा वैसे गर्म देखते हैं अभी तो पिघलना बिल्कुल नहीं चालू हुआ अभी थोड़ा हीट हो दो जब ये हीट होगा धुआं छोड़ेगा उसके बाद ही न, आ, ये हीट हो चुका है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ देखो और ये इस तरीके से काम कर रहा है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है और ये धुआं बस थोड़ी देर के लिए छोड़ेगा कि एक बार ये गर्म हो जाए उसके बाद ये धुआं छोड़ना बंद कर देगा जैसे कि मैं तुम्हें दिखा ही सकता हूँ और ये देखो ये गर्म हो रहा है एकदम एकदम तेज हीट ते, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये देखो एकदम छूते पिघल जा रहे तो अब इसका स्विच जल्दी से हम बंद कर देते हैं मुझे कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो तक ले गुड बाय